हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पर जो भी रील्स अपलोड करते हो उसको कैसे अपलोड करोगे जिससे आपके रील्स जो भी अपलोड करो वो वायरल हो जाए, बहुत ही कम समय में वायरल हो जाए। और ये ट्रिक मुझे पता है कि आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रिक्स लोग बताते हैं जो आप जिस वीडियो को देखते हो और उस ट्रिक को यूज करते हो बट आपके काम नहीं आते। बट मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना, सच में वो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जोर से देखिएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से दबाइएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप सभी के लिए वीडियोस बनाते रहता हूं। तो जाके चैनल को चेकआउट जरूर से कीजिएगा। तो मैं आपको उससे पहले कि मतलब वायरल की ट्रिक बता दूँ, उससे पहले ना वायरल के लिए कुछ ज़रूरी बातें को मतलब जो बातें हैं कंटेंट को लेके वो जान लेते हैं। तो आप लोग बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होंगे जो मीम्स की वीडियो बनाते होंगे या खुद के फनी वीडियोस बनाते होंगे, ठीक है। तो उसमें आप क्या करो कि मतलब डिफरेंट जो भी वीडियो अगर मीम्स की बनाते हो, ठीक है, उसमें आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारे अभी के टाइम पर वायरल जो भी मीम चलते हैं उसको आप ऐसे वाइट जो है ना बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, और वीडियो को रख देते हैं, ठीक है, और उसमें ना अपना एक अलग सा थोड़ी बहुत म्यूजिक यूज किया करो, ठीक है, ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे। अभी बहुत सारे मीम्स देखते हैं, आप भी देखते होंगे, जो भी एक लोग अपलोड कर दिए जिसको, वही उसको क्या करता है मतलब कुछ लोग कि डाउनलोड कर लेता है और उसे री अपलोड कर देते हैं, तो कई बार उनका वायरल नहीं होता है। बट अगर आपको उसी चीज को री अपलोड करना है तो उसमें ना आप काइन मास्टर, इनसूट, उसके बाद बहुत सारे मतलब फिल्मोड़ा हो गया, कैपकट भी है ना, अभी के टाइम पे तो इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से उसको री एडिट करके अपलोड कर सकते हो ताकि अच्छा खासा मतलब वायरल हो, ठीक है। वायरल के लिए हम चले हैं, बहुत जल्द चलते हैं उस पे टॉपिक पे कि मतलब कैसे उसको वायरल करें, ठीक है। उससे पहले मतलब जो भी आप वीडियो को अपलोड करते हो ना उसकी मेन जो चीज होती है उसको एडिट करना मेन बात होती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं मतलब, ठीक है। तो जब भी आप मीम अगर वीडियो अपलोड करते हो, री अपलोड मीम्स को, तो थोड़ी बहुत एडिट कर दिया करो, ठीक है। और अगर आपके खुद की कॉमेडी वीडियोस है कुछ भी, तो उसमें ना अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट यूज किया करो, ठीक है। आप YouTube पे सर्च कर लेना, अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा, जैसे लाइक फनी होता है ना, तो शॉर्ट फनी साउंड इफेक्ट ऐसे यूज करना, ठीक है। और बहुत सारे अभी के टाइम पे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो भी मूवी होते हैं ना, मूवी के जो भी सीन्स होते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं और एडिट करके अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप ये करते हो ना तो उसकी थोड़ी बहुत क्वालिटी इंक्रीज कर लिया करो, ठीक है, मतलब उसमें शार्पनेस यूज किया करो, ब्राइटनेस थोड़ी बहुत यूज किया करो, उसके बाद सिचुएशन यूज किया करो, ऐसे वीडियो लिए लॉन्ग फॉर्म में और उसको मतलब शॉर्ट बना दिए, ऐसे में आपका मतलब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर दिया करो ताकि जो भी वीडियो को अपलोड करो, ठीक है, वो जल्दी वायरल हो जाए। अब आप चलते हैं, हम आपको पॉइंट बताते हैं कि वो रील्स जो आप बनाओगे वो वायरल होगा कैसे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आराम से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सुनो, जब आप वीडियो को अपलोड करते हो ना तो उस वक्त एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी आप उसको ना मतलब शॉर्ट फीड में जाके अपलोड करना, मीन्स जब आप अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे तो एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप इसे एज अ पोस्ट की तरह अपलोड करते हो फीड में या मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो टिक लगा हुआ आता है आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, इस टिक को आप हटा करके ही अपलोड करना, ठीक है, इसको हटा करके ही अपलोड करना, ठीक है। और जिस टाइप के आपके वीडियोस है, लाइक मीम से है या फनी वे में है या कॉमेडी में है मतलब, ठीक है, तो उसको आप उससे रिलेटेड आप गूगल पे जाओ और सर्च करो, ठीक है। अगर आपके मीम्स में है, ठीक है, मीम्स वीडियो है, शॉर्ट्स है, मतलब जो इंस्टाग्राम पे आप अपलोड कर रहे हो, तो जाओ गूगल पे और सर्च करो मीम्स हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है, आप ये सर्च करना और जो भी हैशटैग आपको मिले उन सारी हैशटैग को उठा लो, ठीक है। और जब आप वीडियो को अपलोड करते हो उस वक्त इंस्टाग्राम पे, जब आप वीडियो को अपलोड करोगे उस वक्त उसको पेस्ट कर दिया करो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जैसे सिस्टम आता है, ठीक है, उसमें, ठीक है। और अब आप दूसरे पॉइंट पे हम आपको बताते हैं, जब आप दूसरे पॉइंट ये है कि जब आप रील्स को अपलोड करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन अब आ गया है जिसमें आपको चूज करना होता है वीडियो की मेन पॉइंट, मतलब एज अ थंबनेल, ठीक है, थंबनेल की तरह एक पॉइंट को आपको चूज करना पड़ता है, जिसको आप चूज करते हो तो लोगों को ना शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट फीड में जो जाता है तो लोगों को वही चीज दिखता है
जो आप एज अ थंबनेल की तरह यूज किए उसमें, ठीक है। तो इसमें आप जो भी अच्छा पॉइंट आपको लगे भगा करके ऐसे देख लेना जिस तरह से स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वैसे चूज करके ही उसको ऐड करना, ठीक है। ये हो गया, दो हो गया। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप रील्स अपलोड कर दोगे उस वक्त दो तीन आप आईडी रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन नहीं मतलब चार पांच आईडी तो रखना अगर आप एक क्रिएटर हो, ठीक है। चार पांच इंस्टाग्राम आईडी रखना, ठीक है। जैसे रील्स अपलोड कर देते हो तो एक आईडी से कम तीन बार उस रील्स को देखना, ठीक है। और तीन बार देखोगे तो तीसरी बार में उस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। और उस रील्स को अपने जो एक दो तीन आईडी होगा एक्स्ट्रा, उस आईडी में स्टोरी में ऐड कर दो, ठीक है। इससे क्या होता है, इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिदम है उसको लगता है कि लोगों को ये आपके रील्स पसंद आता है और लोग शेयर करने लग गया, इससे आपकी आईडी मतलब आपकी जो रील्स होगा वो जल्दी वायरल होगा, आप ये जमा कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो आईडी होगी, तीसरी जो आईडी होगी, उसमें सेम प्रोसेस करना जो पहली आईडी के साथ करना है, मतलब तीन चार बार देख लेना, उसके बाद लाइक कर देना है, ठीक है। और कुछ भी कमेंट कर देना, और हाँ स्टोरी में उस रील्स को शेयर जोर से कर देना, इससे आपकी जो रील्स होगी वो जरूर वायरल होगी। आप एक बार ट्राई जरूर से करना, ठीक है। तो होप करते हैं कि ये बहुत ही कम शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताया, तो होप करते हैं कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रही। अगर यूजफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मिलते रहेंगे गाइस, वीडियोस बनाते रहेंगे। टाइम नहीं मिलती है एक्चुअली, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। तो आपको तो पता ही मेरे बारे में, वैसे मैं हाँ 1K जिस दिन हो जाएगा मेरा, ठीक है, उस दिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। उसमें मैं आपको अपनी सब कुछ बता दूंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या काम करता हूँ, अभी अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ तो कौन सी क्लास में हूँ, मतलब सब कुछ, ठीक है। तो 1K स्पेशल पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।